लोग भींगने के लिए वाटर पार्क जाते हैं, मैं तो बर्तन धोके कपड़ा धोके ही भींग लेती हूँ। और रही बात पानी में फिसलने की, तो पोछा मारते समय फिसल ही जाती हूँ। हर दूल्हा लड़की के घर वालों से कहता है कि मैं आपकी लड़की को शादी के बाद खुश रखूंगा, लेकिन आज तक कभी ये नहीं सुना दुल्हन ने यही बात लड़के के घर वालों से कही हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लड़कियां झूठ नहीं बोलती। सुनो जी, इस दुनिया में ना औरत सबसे ज्यादा महान होती है, क्योंकि वो सब कुछ सह लेती है। उस हिसाब से तो हम आदमी ज्यादा महान होते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम औरत को सह लेते हैं। हम औरतों का पूरा जीवन एक स्कूल की तरह होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जितने भी प्राणी आते हैं, जन्म के मरण के, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, बहुत दूर के रिश्तेदार, बहुत पास के रिश्तेदार, सबके सब हमको सिर्फ शिक्षा देने आते हैं, सबके सब हमारे टीचर बन जाते हैं। अब पैदा हुए, चलो माँ बाप है, माँ बाप सिखाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो टीचर सिखाते हैं, उसके बाद भाई बहन सिखाते हैं, दोस्त यार सिखाते हैं, फिर हो जाती है शादी। और ससुराल में तो भाई साहब बिल्कुल हम भट्ट गंवार बन के आए, सास बिल्कुल द्रोणाचार्य बन के हमको सिखाती है, ससुर सिखाते हैं, पति आग लगा वो तो सिखाता ही रहता है। और तो जो हमारे चूजे पैदा होते हैं ना, वो भी हमको सिखाते हैं, मम्मी फोन ऐसे चलाते हैं, मम्मी लैपटॉप ऐसे चलाते हैं, मम्मी कंप्यूटर ऐसे चलाते हैं, मम्मी टीवी का रिमोट ऐसे चलाते हैं। और जब आखिरी में मरने की हालत में जब कबर में पैर लटके होते हैं और हम दादी नानी बनते हैं, उन्हें जर जर से बालक बालिकाएं हमको सिखाते हैं, दादी इसको लप्पू टप्पू कहते हैं, दादी इसको कंप्यूटर कहते हैं। मतलब आपको क्या बताएं, हम औरतों का पूरा जीवन सिर्फ सीखते हुए बीतता है, क्योंकि हम एक नंबर के गंवार पैदा होते हैं, हमें कुछ नहीं। दोस्तों, लोग बोलते हैं मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं मानती हूँ मेरे अंदर कमियां हैं, बहुत कमियां हैं मेरे अंदर। इस कमी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हारी। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। लेकिन कोई बोल के तो बताए, मुंह ना तोड़ दूं तो बताना। मैं कह रहा था कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ। ये बोलना चाहता था मैं। तुम परफेक्ट हो। मैं जरा होके आता हूँ। यार, दोस्त की शादी में जाना है, समझ नहीं आ रहा कौन सा कोट पहनूं। यार एक काम करो मीनाक्षी, तुम बताओ यार, ठीक है, ऐसा कोट बताओ कि मैं शादी में जाऊं ना सबसे अलग दिखूं और सबकी निगाहें तुम्हारे पति पे ही टिकी रहे। बताओ यार। एक काम करो। हाँ, आप ना मेरा पेटीकोट पहन लो। सच बता रही हूँ, सबसे अलग लगोगे आप। सबकी निगाहें ना बस आप ही पे टिकी रहेंगी। अबे तुम छोड़ो यार, छोड़। आलू लेले, टींडे लेले, घिया लेले, कद्दू लेले, नंबर से कौन ले, तोरी लेले, गाजर। अब बात करो। हेलो। हेलो। सरप्राइज, पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। अच्छा, तो नए नंबर से कॉल क्यों करी? आप ही ने तो कहा था कि मेरा नंबर आपकी बीवी को पता चल गया है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए नया नंबर लिया है। तो क्या बात करनी है आपको? क्या बात करना होगी, आपने तो मिलना तो छोड़ो, बात करना भी छोड़ दिया है बीवी के डर से। वैसे मेरा आज कुछ रोमांटिक बात करने का दिल है, तो ये बताइए एक किस के बाद क्या होता है? बहन जी, 21 के बाद 22 होता है और 22 के बाद 23 होता है। इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मेरे हस्बैंड को परेशान किया। रखिए फोन। ये पड़ोसन पक्का अनपढ़ है, तुमसे गिनती सीखना चाहती है, वो भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रही हो। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी गिनती नहीं आती? आती है। 21, 22, 23, 24, 25।